आपके चैनल देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और नए नए एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती कि पूजा पाठ का हमें भी नहीं मालूम होता, तो आपकी बहुत कृपा है, आप बहुत अच्छा ये कर रहे हैं जिससे कि सभी भक्तों का उद्धार हो रहा है। कि जब तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करती, पहले हनुमान चालीसा का पाठ होगा तभी मैं मतलब नाश्ता वास्ता करूँगी, चाहे 2 बज जाए चाहे 1 बज जाए उससे पहले मैं नहीं करती हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारी वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी वो दीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बज और ध्वजा विराज कांधे मूंज जने तेज प्रताप महाजग वंदन विद्यावान गुणी अति चातु राम काज करिबे को आतु प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को रहना। इस वक्त हनुमान जी के एक भक्त हैं माधवी शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप तो हनुमान भक्ति चैनल भी देखते हैं? हाँ जी, बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और हनुमान जी की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। जो भी मैं मन में सोचती हूँ ना वो काम अपने आप हो जाता है। 2-3 मतलब ऐसे एक्सपीरियंस हैं मेरे साथ कि जैसे एक बार मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई थी, उसे डेंगू हो गया था और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था उसे दिखाई देना बंद हो गया था। उस टाइम क्या है कि मंदिर के गेट पे ही एक हनुमान जी का मंदिर था, मैं वहाँ जाके पूरी दोपहर ही पूजा करती थी। तो क्या हुआ कि जो हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर होता है वो मैं बेटी के माथे पे लगाती थी और धुनी जो है वो चटा देती थी। किसी ने मुझे कहा था ये धुनी चटाएंगे तो दवाइयाँ असर करेंगी। तो क्या हुआ, गलती से मेरी बेटी को डेंगू हुआ था और नर्स की गलती से उसे मलेरिया का ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। तो उस टाइम जैसे मैं हनुमान जी की पूजा करती थी तो कोई मेडिकल स्टूडेंट आया मेरे पास, बोला मैडम गलती से थोड़ा आपका पैसा तो लगेगा, ये ड्रिप आप चेंज करवा दीजिए, इसमें इसे मलेरिया की दवाई दी जा रही है। तो बस वो दिन मुझे याद है कि हनुमान जी के ही रूप में वो आया मेडिकल स्टूडेंट और जैसे ही फिर उसकी दवाई चेंज की वो ठीक हो गई। नहीं, डॉक्टर्स वगैरह सब ने जवाब दे दिया था कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है केस। बेटी को दिखाई देना बंद हो गया, वो मुझसे पूछती थी मम्मी मैं कहाँ हूँ आप कहाँ हो। तो एक तो वो मेरा बहुत चमत्कार था बालाजी का, और एक अभी जल्दी का ही है कि कोरोना टाइम में
मेरी बेटी अमेरिका में थी तो उसकी डिलीवरी होनी थी और सिजेरियन थी, शुगर हो गया था, मतलब बहुत रिस्की केस था। अब कोरोना में तो सबको मालूम ही है कि फ़्लाइट वगैरह सब बंद थी और मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था वहाँ जाने का। तो फिर मैंने 11 दिन का हनुमान जी का अनुष्ठान किया दोनों टाइम, मतलब नहा धो के और उनकी जोत जलाती थी और हनुमान चालीसा। बस यही कहा, हनुमान जी बस आप ही करवाएंगे ये काम, मैंने तो ये बीड़ा आपको सौंप दिया। तो बस क्या हुआ, 11 दिन पूरे नहीं हुए थे, एकदम अचानक मेरे दामाद का फ़ोन आया कि मम्मी जी 2 दिन के लिए स्लॉट खुले हैं और आप बताइए। तो बस हम तैयार हो गए, एक दिन दिल्ली इंटरव्यू दिया, दूसरे दिन कलकत्ता बुलाया उन्होंने। हम वहाँ गए तो कलकत्ता में मुझसे वहाँ एक शब्द भी नहीं पूछा उन लोगों ने, मेरे हस्बैंड से पूछा और मैं चाह रही थी कि मुझसे कुछ पूछें लेकिन नहीं पूछा। फिर मुझसे कहते हैं मैडम कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप योर वीज़ा अप्रूव्ड। तो ये भी देखिए कि 11 दिन का जो अनुष्ठान था उसमें भी बालाजी की कृपा थी और मुझे वीज़ा मिल गया और मुझसे पहले काफ़ी लोग थे, सबको सॉरी सॉरी कह के मना कर दिया था। और मेरे ही जैसा केस था, कोई कह रही थी कि मेरी बेटी की तो अभी 15 दिन बाद ही होनी है डिलीवरी, लेकिन नहीं मिला उन्हें वीज़ा। तो ये भी हनुमान जी का ही चमत्कार। बहुत सारे भक्त जो आपको सुन रहे हैं उनके मन में आ रहा होगा कि ये 11 दिन का कौन सा अनुष्ठान है, अगर आप बताना चाहें। हनुमान जी का 11 दिन का ये था कि जैसे मैंने संकल्प लेते हैं, ऐसे संकल्प लिया और जैसे पान का बीड़ा होता है ना वो चढ़ा देते कि बालाजी महाराज अब ये बीड़ा आप उठाइए। अच्छा, पान का बीड़ा आपने हनुमान जी को चढ़ाया। हाँ जी। अच्छा। तो बस वो बीड़ा चढ़ाया और उन्हें सौंप दिया कि अब ये आप बीड़ा उठाइए, कैसे भेजना है आपको, अब मुझे नहीं पता कि कैसे होगा। तो ये सब उनके ही चमत्कार से हुआ। नहीं, बहुत अच्छी बात है और भक्तों को पता भी है कि हनुमान जी को अगर पान का बीड़ा, मीठा पान का बीड़ा अर्पित किया जाए जिसमें कि चूना वगैरह न लगाएं, सुपारी न डालें, वो हनुमान जी को अर्पित कीजिए। तो 11 दिनों का आपने अनुष्ठान लिया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। हाँ जी, दोनों टाइम जी। तो उससे बस, नहीं तो कोरोना टाइम में हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मैं वहाँ जा पाऊँगी। तो ये चमत्कार। तो माधवी शर्मा जी से मुझे लगता है कि पिछले साल आपसे मेरी बातें हुई थी, आपने कहीं से नंबर प्राप्त किया था और संपर्क किया था, तो साल भर के बाद आज सुयोग बना है, आपसे मुलाकात हुई है और हम लोग हनुमान जी के मंदिर में ही हुई हैं। तो बहुत अच्छा लगा और बाकी आपके चैनल देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और नए नए एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती कि पूजा पाठ का हमें भी नहीं मालूम होता, तो आपकी बहुत कृपा है, आप बहुत अच्छा ये कर रहे हैं जिससे कि सभी भक्तों का उद्धार हो रहा है। एक और जिज्ञासा भक्तों की रही होगी, आप भी जब चैनल देखती होंगी तो मन में आता है सबके, आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करती हैं? हाँ जी, मेरा क्या है कि मेरा ये नियम ही है कि जब तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करती। पहले हनुमान चालीसा का पाठ होगा तभी मैं मतलब नाश्ता वास्ता करूँगी, चाहे 2 बज जाए चाहे 1 बज जाए, उससे पहले मैं नहीं करती हूँ। नहीं, मैं देख रहा हूँ आपने इस मंदिर में मुझे आमंत्रित किया और मेरे आने से पहले आप यहाँ पे पहुँच चुकी थी और अभी मुझे लगता है कि 9:15 बज चुके हैं, आप यहाँ पे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल करके पंडित जी से भी, हम लोगों ने हनुमान जी की महिमा जानी, एक विश्वास भक्तों के मन में आ जाए, क्योंकि आपसे जो मेरी अभी तो कुछ देर की ही बातचीत हुई है पता लगा कि आपके पति महोदय साइंटिस्ट रहे हैं, अब वो सेवानिवृत्त हैं। भक्तों के विश्वास के लिए बताइए कि जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में जाएगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, ये तो आपका भी अनुभव कहता है। हाँ जी, मैं तो पूरा विश्वास करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सियाराम। जय सियाराम।